तो गाइस अभी हमारी जो एरिया है वो लगभग 40 किलोमीटर चल चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है गाइस कि अब सो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने KTM ड्यूक की माइलेज टेस्ट। और आप सोच रहे होंगे गाड़ी किधर है भाई, तो भाई गाड़ी है देखो इधर है। तो ये संदीप भाई और मैं निकलने वाले हैं घर से और आज आपको दिखाएंगे कितनी माइलेज देती है अपनी ड्यूक। और बाकी ये देखिए ये लड़ने देखिए ये कैसे मूछ उछ मुड़वा के बैठा है। क्या हुआ भाई आपके मूछ को, क्या हुआ, कैसे पूरा कहानी बता दीजिए एक बार लोग को, क्या हुआ था, क्या बताया यार, धोखा हो गया भाई। क्या हुआ था ट्रिम वाली कहानी बताइए, कैसे क्या किए थे आप? तो यार ट्रिमर का प्लास्टिक सोचे यार लगाए लेकिन नहीं लगा था यार, गलती हो गई। तो भाई पता है इनके साथ क्या हुआ, ये ट्रिमर लिए और जो उसका प्लास्टिक होता है मतलब एक नंबर दो नंबर जिससे सेट होता है वो जेब में डाल लिए थे और ट्रिमर ऐसे लगा दिए सोचे कि लगा हुआ है। और भाई साहब जब थोड़ा सा छीले के हैं इस साला एक नंबर दो नंबर नहीं छिल रहा, तब जेब में डाल के हैं अरे साला। तो चलो चलते हैं फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा आज, माइलेज टेस्ट होगी भाई, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इधर अभी हम लोग चुंगी चौराहे से होके निकलने वाले हैं और आज की जर्नी जो होने वाली है लगभग 70-80 किलोमीटर की होने वाली है। तो वीडियो में पूरा बने रहना, आज आपको वीडियो में माइलेज टेस्ट भी दिखाएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे कि जब आप लॉन्ग टूर करते हैं तो क्या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है गाड़ी में। तो वीडियो में स्टे ट्यून रहना, लास्ट तक देखना भाई, एक भी पार्ट मिस मत करना वीडियो का। बाबा अभी हम लोग खड़े हैं, फिलहाल टंकी है आगे एक उसी के पास में। तो अभी माइलेज टेस्ट के लिए हमें पेट्रोल चाहिए होगा क्योंकि गाड़ी में थोड़ा बहुत ही पेट्रोल है। तो अभी अपने संदीप भाई जो है ये देखो मतलब गाड़ी ऐसे लेके जाएंगे तो भाई गाड़ी लेके जाएंगे कहीं गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, बट हम लोग अभी मतलब और थोड़ा पेट्रोल बचा गाड़ी में ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग निकाल मतलब तब पूरा पेट्रोल फिर तब भरेंगे इसमें ना मतलब। तो अभी भाई अपना देखो हेलमेट लेके जा रहा है, हेलमेट गाड़ी चाबी भी ताकि मतलब वो लोग देखे। तो भाई दे इनको पेट्रोल। अब बाकी गाड़ी इधर ही खड़ी कर दी है थोड़ा सा पीछे ही ताकि प्रॉब्लम ना हो कुछ। वो जा रहा है देखो अभी आएगा और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको, माइलेज टेस्ट करेंगे गाड़ी का, जो भी माइलेज होगा जेन्युइन माइलेज वो आपको बताएंगे शेयर करेंगे। लगभग मेरे हिसाब से जो अभी अब तक हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है 35-40 का रहा है, बट अब देखते हैं अभी मतलब क्या सीन होता है क्या नहीं। वीडियो में पूरा बने रहो, बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो में भाई। तो गाइस अपना मिशन जो है वो हो गया कम्प्लीट, संदीप भाई देखो पेट्रोल लेके आ गए अपने और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी पूछते हैं भाई संदीप से कि क्या मतलब क्या बोला उसने, कुछ बोला कुछ कि नहीं, क्या बोला उसने, तो कुछ बोल रहा था नहीं, एक पेट्रोल पंप पे गए मतलब वाले पे हाँ। दो मशीन लगी थी, एक हाँ। बोला आगे जाओ इस पे नहीं मिलेगा हाँ। हो सकता है चोरी करता हो हाँ। तो आगे वाला सही दे रहा था हाँ। गए तो दिया तो पेट्रोल दे दिया ना मतलब भाई भाई अपना पेट्रोल लेके आ गया है। तो अभी जो भी पेट्रोल गाड़ी में बचा है उसे हम लोग करेंगे पूरी टैंक खाली करेंगे आज KTM की अपने और फिर 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे और फिर आज होगा क्या माइलेज टेस्ट। और भाई साहब बहुत मेहनत हो रही है तो एक वीडियो पे लाइक तो बनती है क्यों संदीप भाई, और क्या, 1 किलोमीटर था। तो चलो गाइस चलते हैं बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखते रहो। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं रास्ते में और अभी आप देख रहे होंगे अभी जहाँ तक है पेट्रोल है अभी इसमें 2 कोटी के लगभग पेट्रोल है, 2 कोटी के 4 कोटी छोटी छोटी भी हैं वो सब। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद इसमें पड़ेगा 1 लीटर पेट्रोल और फिर स्टार्ट होगा गाइस। और आपको ये मीटर दिखाएंगे उसके हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट कर लेना क्या है कितना माइलेज दी क्या है। तो गाइस अभी 19 किलोमीटर चला चुके हैं, अभी बची है थोड़ी बहुत और वेट कर रहे हैं जल्दी ख़त्म हो। तो गाइस अभी हम आपको दिखा देते हैं पहले कि अभी लो फ्यूल दिखाएगा मतलब पूरा ये ख़त्म हो गया एक तरह से, ये देखो ये वाली जो लाइन है इधर देख लीजिए आप लोग, ये जो लाइन है इस पर पूरा फ्यूल ख़त्म हो गया है और अभी गाड़ी जो स्टार्ट होगी तो लो फ्यूल दिखाता है। तो अभी फ़िलहाल हमने एक्स्ट्रा फ्यूल लेके रखा था, अब इसमें डालेंगे पेट्रोल और फिर अब स्टार्ट होगा भाई अपना माइलेज टेस्ट। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि पहले गाड़ी कितने पे, मैं दिखा देता हूँ अभी पेट्रोल डाल के फिर उसका दिखाते हैं। तो भाई पेट्रोल डाला है संदीप अपना
ये जो एरिया में समय हम लोग पूरा पहाड़ी एरिया, देखो ये पहाड़ पहाड़ पहाड़, ये देखो जबरदस्त लोकेशन एकदम मस्त तगड़ी वाली लोकेशन है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अभी मैं आया यहाँ पे, मैं आया था एग्जाम पेपर देने अपने, तो सोचा क्यों ना आपके लिए एक माइलेज टेस्ट भी कर लिया जाए और आपको दिखा दिया जाए कि कितनी माइलेज देती है। भाई बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे थे मुझे बहुत दिनों से, तो इसलिए मैंने सोचा एक माइलेज टेस्ट वाली भी वीडियो हो जाए आप सबके लिए। लाइक बटन दबा दो, अब स्टार्ट हो रहा है माइलेज टेस्ट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गाड़ी हमारी 4360 पे है और माइलेज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 4360 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितने किलोमीटर जाती है। ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है भाई साहब, मस्त वाला एकदम। तो गाइस अभी गाड़ी लगभग लगभग 8 किलोमीटर चल चुकी है। चार हजार 340 9 किलोमीटर हो गए लगभग। एक लीटर पेट्रोल हमने डाला है गाड़ी में, हमने देखा पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था गाड़ी में, देखते हैं कहाँ तक जाती है और कितना माइलेज देती है। तो गाइस हमारी जो गाड़ी है वो चलना स्टार्ट हुई थी लगभग 4360 पे, अभी देख सकते हो 4393 है, लगभग 33 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी भी कोई फ्यूल में हमें वो नहीं आया कि कोई कम नहीं हुआ, 34 हो गया है। अभी देखते हैं कितना और चलती है गाड़ी, बने रहो वीडियो में भाई। और धूप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो गाइस अभी हमारी जो एरिया है वो लगभग 40 किलोमीटर चल चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है गाइस कि अब मतलब गाड़ी बंद हो जाएगी, ऐसा फील हो रहा है अभी हमें। अभी देखते हैं हल्का भी 1 किलोमीटर और हो सकता है चल जाए, देखते हैं चलती है नहीं चलती है। स्लो ये होता ना जब तेल ख़त्म होने लगता है तो ऐसा हो जाती है, एकदम धीरे धीरे चलने लगी, अभी झटका दे रही है भाई साहब, पूरा 40 किलोमीटर के लगभग चली है, हल्का हल्का धक्का दे रही है। अरे भाई बंद हुई। ले ओ भैया तो भाई गाड़ी हो चुकी है सब बंद और तेल भी खत्म, तेल भी हो गया ख़त्म और देखो रास्ता भाई, यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है ना कुछ है, और तो मतलब हमने तो एक्स्ट्रा में फ्यूल लेके रखा है कि भाई जानते हैं कि पेट्रोल ख़त्म होता ही, तो लगभग लगभग जो आज का हमारा फ्यूल रेशियो था वो कितना था संदीप भाई, 40-45 तो मतलब 39-40 के लगभग था, और जो गाड़ी चली है पूरा बहुत कम लोकल एरिया में चली है और लगभग लगभग चली है भाई मेन रोड पे चली, मतलब हाईवे जिसे कहते हैं, तो अप्रोक्स मान के चलो 39-40 इतना दे दी है, और लोकल में गाड़ी चलेगी 35-38 के लगभग देगी, क्या 38 की जैसे शहर ओवर में चल रही है, हाँ 38-38 मान लो, मतलब 35-38 के बीच में देगी क्या, और क्या? और बाकी भाई 40 का तो लिख के रख लो भाई, 40 तो खूब आराम से KTM माइलेज देती है भाई है। जो लोग बोलते हैं ना यार कि 30 का माइलेज दे रही है 20 का माइलेज दे रही है, भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, 40 का दे रही है KTM ड्यूक 125 cc 40 किलोमीटर आराम से चलाइए, 1 लीटर पेट्रोल भराइए 40 किलोमीटर खूब आराम से जाएंगे एकदम चौड़े से, तुम्हारा भाई भी आया पूरी धूप में 140 किलोमीटर, ओ सॉरी 40 किलोमीटर 140 में, और पूरा एरिया देख लो ये जंगल ही जंगल। चलो गाइस तो